एक तो मेरा आपसे निवेदन है कि जमीन जब बेचेंगे तो ध्यान से बेचना या तो मत बेचना, क्योंकि अब उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। क्योंकि अब जो शहर आस्ते आस्ते बाहर की ओर जा रहा है, जितने भवन हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार के हैं, चाहे कोई निजी आपको इंस्टीट्यूट बनाना चाहता है, शिमला में तो जगह है नहीं, तो यही इलाका है जो अब आने वाले समय में आपका एक्सपैंड होगा। तो आप जो है एक किस्म से जो है वो गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अपने जमीन को बचाकर रखो अपनी आने वाली किश्तों के लिए। और उसको कई जगहों पे होता है, हम भी देखते हैं कि उसको बहुत कम भाव में दाम में जो है वो दे दिया जाता है। आज वो लोग पछता रहे हैं, और आज कई तो ऐसे है प्यारे उसी जगह पे अब नौकरी कर रहे हैं जहां पे जिसके पहले मालिक थे। तो अब अवेयरनेस लोगों में आ गई, ऐसी बात नहीं है। और अब यहाँ की जो जमीन की कीमत भी कई गुना बढ़ गई है, तो अब उसको आप जो है संजो कर रखा। मैं नहीं कह रहा कि मत बेचे, इन्वेस्टमेंट अच्छी करे ताकि उसका फायदा आप लोगों को मिले। जब भी उसको कहीं आगे आप इन्वेस्ट करेंगे, रियल इस्टेट में करेंगे, या उसको जो पैसा आपको मिलेगा उसका सही इन्वेस्टमेंट करे ताकि वो उसकी वृद्धि हो और उसका फायदा आपको भी मिले और आपके परिवार के लोगों को भी मिले। तो उस दृष्टि से हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी सही समय पर अच्छी इन्वेस्टमेंट करना भी बड़ा जो है वो लाभदायक होता है। तो उस सोच से भी आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम भी देखते रहते हैं इलाके का जो कायाकल्प हो रहा है आस्ते आस्ते। तो उस दृष्टि से एक परिवार के सदस्य के रूप में आपको मैं ये राय दे रहा हूं। बाकी आप सब खुद जानते हैं सब चीजें क्या है क्या नहीं है, मुझे ज्यादा उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।